कब होगी मालवनी के कुख्यात अपराधी ओमजी कुमावत की गिरफ्तारी? करोड़ों के सरकारी जमीन घोटाले के खिलाफ मालवनी और चार को पुलिस सिर्फ आपराधिक मामले दर्ज कर क्यों खामोश बैठ गई है? कुख्यात भूमाफिया ओमजी कुमावत की गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही है, जबकि अपराधियों को गिरफ्तारी कर कोर्ट में पेश किए जाने से सरकारी जमीन को सुरक्षित किया जा सकता है, साथ ही मैंग्रोवस की झाड़ियों को नष्ट होने से रोका जा सकता है। लेकिन पिछले 20 सालों से ओमजी कुमावत और उसके साथी लगातार सरकार के खिलाफ अपराध करते आ रहे हैं और सरकारी कोई भी विभाग इसकी रोकथाम के लिए पुख्ता इंतजाम करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर समाज सेवकों द्वारा MPDA के तहत कार्यवाही करते हुए ओमजी को सलाखों के पीछे धकेलने की मांग कर रहे हैं। मालवनी के 1200 करोड़ सरकारी जमीन घोटाले मामले में ओमजी कुमावत के ऊपर अब तक मामले कई दर्ज होने के बावजूद उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है, देखे क्या है मामला। आपको बता दें कि ओम प्रकाश कुमावत उर्फ ओमजी द्वारा सरकारी जमीन कब्जा कर लोगों को खुद की प्रॉपर्टी बताकर बेचने और अवैध निर्माण किए जाने के खिलाफ समाज सेवकों द्वारा लगातार शिकायतों के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने ओमजी और उसके साथियों को सार्वजनिक हितों के लिए हानिकारक मानते हुए मालवनी पुलिस में 2 MRTP कानून के साथ कुल 8 आपराधिक मामले दर्ज किए हैं। लेकिन 2002 से लगातार आपराधिक मामलों में ओमजी कुमावत को पुलिस गिरफ्तार ही नहीं की है, ऐसी जानकारियां प्राप्त हो रही है। साथ ही कांदीवली पश्चिम के चारकोप पुलिस ने 53 एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध भरनी करते हुए पत्रे के रूम बनाकर अवैध कारोबार करने के खिलाफ तहसीलदार कार्यालय से मंडल अधिकारी की शिकायत पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन गिरफ्तार कर कोर्ट में कभी पेश ही नहीं किया। ऐसे में कुख्यात भूमाफिया ओम प्रकाश कुमावत उर्फ ओमजी और उसके साथियों के हौसले और भी बुलंद हो गए हैं। ये आज भी मालवनी चर्च शमशान भूमि के पीछे पठारेवाड़ी इलाके में कलेक्टर की जमीन पर भरनी माफिया चौरसिया को साथ लेकर मैंग्रोवस की झाड़ियों को नष्ट कर अवैध मिट्टी की भरनी कर रहा है, जिस पर कुछ गांव वालों के विरोध और तोड़फोड़ की घटना में मालवनी पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इसी FIR के बल पर यहां मैंग्रोवस की हरी भरी झाड़ियों को आज भी नष्ट कर अवैध मिट्टी की भरनी करते हुए सरकारी जमीन घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है। दहशत का आलम यह है कि किसी ने इनके गैर कानूनी कामकाज को रोकने की कोशिश की तो उसकी शिनाख्त करते हुए FIR के अज्ञात लोगों में गिरफ्तार करवाए जाने का प्लान बनाया गया है। ऐसे में सरकारी जमीन घोटाले को उजागर करने वाले और मैंग्रोवस की झाड़ियों को नष्ट करने वालों के खिलाफ आवाज उठाने वाले समाज सेवकों की मेहनत पर सरकारी महकमा ही पानी फेर दे रहा है, ऐसा बताया जाता है। शहर के कलेक्टर, तहसीलदार और मुंबई पुलिस सिर्फ अपराध के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सरकारी जमीन घोटाले को ठंडे बस्ते में डाल दे रही है, जबकि ओमजी कुमावत जैसे कुख्यात अपराधियों को कोर्ट में पेश कर दंडात्मक कार्यवाही किया जाना चाहिए। लेकिन प्रशासन एक दूसरे की खामोशी में मग्न होकर ओम प्रकाश कुमावत को सरकारी जमीन पर झोपड़े बनाकर बेचने के लिए बढ़ावा दे रही है, ऐसा सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा आरोप लगाया जा रहे हैं। आपको बता दें कि हम लगातार ओमजी कुमावत के खिलाफ मालवनी और चारकोप पुलिस थाने में दर्ज कुल 9 आपराधिक मामलों की पड़ताल करते हुए हर एक FIR की अलग से रिपोर्ट प्रकाशित कर प्रशासन को जगाने की कोशिश करने वाले हैं। इसके लिए आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। हमारे इंडियन फास्ट ट्रैक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसके बाद से आपको हमारे हर खबर की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और हमारे खबरों को ज्यादा से ज्यादा वायरल कर भ्रष्टाचार को खत्म करने में आप हमारा साथ दें। भूमाफिया ओमजी कुमावत के खिलाफ समाज सेवकों द्वारा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक फणसलकर से इसकी शिकायत करते हुए ओमजी कुमावत के खिलाफ MPDA के तहत कार्यवाही करते हुए हिरासत में लेकर सलाखों के पीछे धकेलने की मांग की गई है।
इसके साथ ही शहर के कलेक्टर को भी अनुज्ञापन देकर कठोर कार्यवाही की मांग की गई है। साथ ही स्थानीय सांसद पीयूष गोयल और आमदार असलम शेख से भी इसकी शिकायत की गई है। अब देखना यह है कि उक्त मामले में अपने सरकारी पद का दुरुपयोग कर अधिकारियों द्वारा अपने निजी स्वार्थ परतता हेतु पैसा कमाने की नीयत से 1200 करोड़ रुपए की काली कमाई के राजस्व की चोरी और मैंग्रोव्स की झाड़ियों को नष्ट करने वाले अपराध को संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर कार्यवाही को लेकर किस तरीके का उचित कदम उठाते हैं, जिसका जनता को इंतजार है। वैसे भी शासन प्रशासन में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर आम जनमानस का भरोसा सरकारी महाकों पर से उठ रहा है। मुंबई से इस्माइल शेख की रिपोर्ट, इंडियन फास्ट ट्रैक।